हेलो दोस्तों, आज की हमारी अगली ट्रिक है दिल्ली सल्तनत के राजवंश। जैसा कि हमें पता है, दिल्ली सल्तनत में अब तक 5 राजवंश हुए। उनका क्रम हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से उसका क्रम याद रखेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, गुल खिले तो सांस लूं। याद रखेंगे, गुल खिले तो सांस लूं। गुल से याद रखेंगे गुलाम वंश, खिल से याद रखेंगे खिलजी वंश, तो से याद रखेंगे तुगलक वंश, और सास से याद रखेंगे सैयद वंश, और लास्ट से याद रखेंगे लोदी वंश। गुल खिले तो सांस लूं, हमारे पास गुलाम वंश, खिल्ली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिल्ली वंश का संस्थापक फिरोज खिल्ली। तुगलक वंश की बात करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की बात करेंगे, खिजर खां। और अगर हम बात करें लोधी वंश की संस्थापक, यानी कि लोधी वंश की स्थापना किसने की, बहलोल लोधी। तो याद रखेंगे, क्रम जरूर पूछा जाता है, गुल खिले तो सांस लूं।